बीते दिन देश भर में धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। दीपोत्सव के इस पर्व को एमपी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घर आंगन गली मोहल्लों को रोशन कर अपनों के साथ खुशियां मनाई। वहीं एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से दीपावली का यह पर्व मनाया, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। केंद्रीय कृषि मंत्री और 18 साल तक प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपने भोपाल स्थित आवास पर दिवाली का यह त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया। भोपाल के 74 बंगला स्थित मामा के घर में शिवराज ने पूरे परिवार के साथ दिवाली पूजन किया। इस दौरान उनके दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल भी उनके साथ नजर आए और चारों ने साथ बैठकर मां लक्ष्मी की आराधना की। वहीं इसके पहले शिवराज और उनकी पत्नी ने पारंपरिक रूप से घर की साज सजावट की। साथ ही साधना सिंह ने घर के आंगन में रंगोली भी बनाई। इस दौरान मामा शिवराज भी उनका साथ देते हुए नजर आए। यही नहीं, शिवराज इसके पहले अपनी पत्नी के साथ खुद बाहर बाजार में भी निकले और दीपावली के लिए खरीदारी की। वहीं दूसरी तरफ सीएम बनने के बाद मोहन यादव ने भी अपनी पहली दिवाली मनाई। ये दिवाली सीएम मोहन ने अपने गृह जिले उज्जैन में ही मनाई। उन्होंने पहले तो अपने परिवार के साथ दिवाली की पूजा की, उसके बाद वो पैदल ही बाजार को निकल गए। इस दौरान उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण किया और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से हालचाल भी उन्होंने जाने और लोगों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। वो खुद एक चरखी पर गन्ने का रस निकालते हुए भी दिखे। इस दौरान एक दिव्यांग दंपति भी सीएम के पास पहुंचा और उन्होंने सीएम से कार्तिक मेले में एक दुकान देने की मांग की। इस पर सीएम ने कलेक्टर सिंह को बुलाकर दुकान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। तो कुछ इस तरह से एमपी के सीएम और पूर्व सीएम ने दिवाली का ये त्यौहार मनाया। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।